आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हलवाई स्टाइल खस्ता कुरकुरी फूली फूली मूंग दाल कचौरी। मूंग दाल कचौरी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं और बारिश का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो, गर्मा गर्म कचौरी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं या आप ऐसे भी खा सकते हैं, चाट बना सकते हैं, जैसे चाहें आप खा सकते हैं। जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, आप आसानी से इसे बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप मूंग दाल ली है, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। ये लगभग डबल हो गई है। अब हम जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। तो एक छलनी लेंगे, उसमें से इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे और इसको ग्राइंडर जार में डालकर हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब मैंने यहाँ बड़ा बाउल लिया है और उसमें 2 कप हम मैदा डाल लेंगे। कचौरी के लिए आटा लगाने के लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप आप आटा ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ अजवाइन ली है। मूंग दाल कचौरी में अजवाइन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ घी लिया है। घी डालने से हमारी जो कचौरियाँ बनेंगी एकदम खस्ता कुरकुरी बनकर तैयार होंगी। आप चाहें तो घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसको अच्छे से मसल कर हमें आटे में मिक्स करना है और आटे को मुट्ठी में होल्ड करके देखना है। अगर वो होल्ड हो रहा है तो यानी कि आटा अच्छे से बनकर तैयार है। अगर होल्ड नहीं हो रहा है, क्रमली है, तो आप उसमें 1 से 2 चम्मच घी डालकर अच्छे से मसल कर उसको तैयार कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ 1/2 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अच्छा सा आटा लगा लेंगे। कचौरी के लिए हमें हल्का सा नरम आटा ही चाहिए। अगर हम सख्त आटा लगाएंगे तो कचौरियाँ जब हम बनाएंगे तो वो अच्छे से बनेंगी नहीं, वो फट जाएंगी। तो इसके लिए हमें नरम आटा चाहिए। नरम आटा लगकर तैयार हो गया है। अब हम हल्का सा इस पर घी लगाकर ढक कर इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिसे अच्छे से सेट हो जाएगा। अब मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ धनिया लिया है, यानी कि धनिया के बीज लिए हैं। 3 से 4 मैंने यहाँ सूखी लाल मिर्च ली है। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ काली मिर्च ली है। 1 बड़ा चम्मच ही मैंने सौंफ ली है और 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ जीरा लिया है। ये खड़े मसाले हैं। खड़े मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर कचौरी में आएगा। जब हम कचौरी में का जो मसाला तैयार करते हैं उसमें हम इसको डालते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ मसाले को अच्छे से पीस लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 3 बड़े चम्मच घी डाल लेंगे। आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं। और जो मसाला हमने पीस लिया है, खड़े मसाले जो हमने पीसे हैं, वो इसमें डाल देंगे और करीब करीब 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे। आप चाहें तो इसे पीसने से पहले भी हल्का सा भून सकते हैं, फिर आपको बाद में भूनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने पहले नहीं भूना है, इसलिए बाद में 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छे से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ 1/4 छोटी चम्मच हींग ली है, वो डाल देते हैं। हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारी कचौरी में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लिया है, वो भी डाल देते हैं और अच्छे से भून लेंगे इसे भी हम। अब मैंने यहाँ 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं। चिली फ्लेक्स अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, कम पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब जो दाल हमने पीस के रखी थी वो डाल लेते हैं। दाल को हमने दरदरा ही पीसना है, एकदम फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, नहीं तो अच्छा हमारा मसाला बनकर तैयार नहीं होगा। तो दाल को दरदरा ही पीसना है। अच्छे से हम मसालों में इसे मिला देंगे और चलाते हुए हमें पकाना है और लो फ्लेम पर ही हम इसे करीब करीब 2 से 3 मिनट चलाते हुए पका लेंगे।
दो से तीन मिनट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ आधा कप बेसन लिया है। बेसन डालने से इसमें अच्छी बाइंडिंग आएगी और बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट भी हो जाएगा। बेसन का अपना ही एक टेस्ट होता है, तो बेसन डालेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए इसे चलाते हुए हम पका लेंगे करीब करीब 6 से 7 मिनट। अब मैंने यहाँ एक चम्मच घी डाल लिया है जिससे बेसन अच्छे से भुन जाएगा। घी डालना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वैसे भी अच्छे से भून जाएगा, लेकिन अगर घी में हम बेसन को भून लेंगे तो बहुत ही अच्छा अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगेगी। तो चलिए 6 से 7 मिनट हो गए हैं, मसाले डाल लेते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है, आधी छोटी चम्मच काला नमक, काले नमक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, 1 चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने यहाँ आमचूर लिया है, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। आप चाट मसाले की जगह आमचूर पाउडर ले सकते हैं, आमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं, या आप दोनों डालना चाहें तो आप दोनों भी डाल सकते हैं, या दोनों नहीं डालना चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। देखिए दाल को मैंने 5 से 6 मिनट और पका लिया है और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आने लगी है। ये बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा हमारा मसाला बना है। पूरे किचन में एकदम खुशबू ही खुशबू हो गई है, इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसे। अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए कचौरियों को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें हरा धनिया बिल्कुल नहीं डालना है। मैं यहाँ ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना चाहती हूँ तो मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अगर आप तुरंत खाना चाहते हैं तो हरा धनिया डाल सकते हैं। अब आटा चेक कर लेते हैं। देखिए आटा बहुत ही अच्छे से लगकर तैयार हुआ है और बिल्कुल नरम आटा लगा है। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे एकदम नरम है ये। अब इसमें से हम बोल्स बना लेंगे। इसकी जितने भी हमें छोटी या बड़ी कचौरी चाहिए, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से इसकी बोल्स तैयार कर लेंगे हम। देखिए इतनी बड़ी बड़ी आप बना सकते हैं। अब इस एक लोई उठाएंगे और हम इसको अच्छे से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल सारी लोइयाँ ऐसे ही तैयार कर लेंगे। देखिए अब हम जो मसाला हमने बनाकर तैयार कर लिया है वो ठंडा हो गया है। अब इसकी हम बोल्स बना लेंगे। इसकी हम बोल्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब हम कचौरियों को बना रहे हैं और उसके अंदर ही फिलिंग डाल रहे हैं, यानी कि जो भी स्टफिंग है वो डाल रहे हैं, तो अगर हम ऐसे ही डालेंगे तो वो फट सकती हैं, मतलब बिखरी बिखरी सी बनेंगी। और अगर हम हल्का सा इसकी बोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे तो वो फिल करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। देखिए मैंने बोल्स बना भी ली हैं और बाकी थोड़ा सा मसाला बच भी गया है, तो इसको आप बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कचौरियाँ बना सकते हैं। तो चलिए कचौरी बना लेते हैं। एक लोई लेंगे और उसके जो किनारे हैं उस पर हम हाथों से और अंगूठे से और उंगली से ऐसे दबाते हुए हम पतला बना लेंगे, बिल्कुल कटोरी की शेप देंगे उसको। बीच में से नहीं दबाना है, हल्का सा किनारे दबाते जाना है और इसको कटोरी की हम शेप देंगे, जैसे कटोरी होती है ऐसे। और जो हमने बोल्स बनाई है उसमें से एक बोल्स लेंगे और इसके सेंटर में हम रख देंगे, इसके बीच में रख देंगे अच्छे से, और इसको किनारों से ऐसे मोड़ते हुए हम हल्का सा जो भी स्टफिंग हमने डाली है उसको अंगूठे से दबाते हुए ही हमें इसको अच्छे से बंद कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा आटा है इसमें वो आप या तो निकाल दीजिए या आप उसको हल्का सा ऐसे मोड़ के उसको दबाकर ऐसे ही बंद कर सकते हैं। देखिए आप इसको हल्का सा बेल भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं बेल रही हूँ, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाने वाली हूँ। हलवाई ऐसे ही करते हैं, हल्के से उंगलियों से दबाते हैं और फिर हथेलियों से इसको अच्छे से बीच से प्रेस करते हैं, ऐसे बिल्कुल हल्के से हथेलियों से दबाते हैं, जिससे हमारी कचौरियाँ बिल्कुल फूली फूली बनेंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप चाहे तो बेल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी बेल नहीं रही हूँ यहाँ। बिल्कुल फूली फूली कचौरियाँ बनाने के लिए
हम हथेली से ही दबा कर रखेंगे। तो चलिए और बना लेते हैं ऐसे ही। हल्का सा हम किनारों को अंगूठे से और उंगली से दबाते हुए कटोरी की शेप दे देंगे और हम इसमें स्टफिंग भर देंगे और इसको ऐसे अंगूठे से दबाते हुए अच्छे से बंद कर देंगे। देखिए ऊपर की तरफ ले जाते हुए ऐसे, अगर एक्स्ट्रा आटा लगे तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही दबा कर इसको बंद कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से हथेली से इसको दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे फूली फूली कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। आप ऐसे बना के देखना। देखिए सारी कचौरियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। कचौरियाँ बनाने के लिए यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है, अच्छे से तेल गरम हो गया है। देखिए मैंने थोड़ा सा डो डाल के देख लिया है, इसमें हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं, यानी कि तेल अच्छे से गरम है। कचौरियाँ तलने के लिए हमें तेल ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें तेल को गरम करना है। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और सारी कचौरियाँ इसमें डाल देंगे। जितनी कचौरी आसानी से आपकी कढ़ाई में आ जाए उतनी ही आप डाल लीजिए, और इसको डालने के तुरंत बाद इसको टच नहीं करना है। जब ये फ्राई होंगी हल्की हल्की अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी। देखिए कचौरियाँ हल्की सी फ्राई हो गई हैं और ये ऊपर आ गई हैं, अपने आप ही ऊपर तैरने लगी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो ऊपर का हिस्सा है उस पर हम एक चम्मच से तेल डाल देंगे, तेल डालते जाएंगे जिससे हमारी कचौरियाँ फूल भी जाएंगी और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। और हल्का सा इस पर कलर आ गया है तो हम इनको पलट देते हैं। ऐसे पलट पलट के हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक बार कचौरी तलने के लिए करीब करीब 15 से 18 मिनट आराम से लग जाती हैं। 15 से 18 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए इसमें और भी अच्छा कलर आ गया है, आप देख पा रहे होंगे पहले से अच्छा इसमें कलर आ गया है। अब हम इसे 5 से 6 मिनट और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा कलर आया है, आप देख पा रहे होंगे, और करीब करीब 15 से 16 मिनट इसको फ्राई करते हुए हो गए हैं। अब चलिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए पास से दिखा रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा ये खस्ता बनी है, एकदम कुरकुरी और फूली फूली। और भी निकाल लेते हैं हम। देखिए मैं दिखा रही हूँ, इनका कलर आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है और एकदम कुरकुरी खस्ता, बिल्कुल हलवाई के वहाँ जैसी हमें मिलती हैं फूली फूली, बिल्कुल ऐसी ही कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। देखिए अब जो बच गई हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। एक बार हम उतनी फ्राई करेंगे जितनी की कढ़ाई में आराम से आ जाएँ। ये लीजिए कचौरी बनाकर मैंने तैयार कर ली है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनी है, आप भी ऐसे बना सकते हैं। त्योहारों का मौसम है, दिवाली आ गई है, आप कुछ नमकीन या फिर कुछ तीखा चटपटा आप बनाना चाहते हैं तो आप ये बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अंदर तक ये पकी हुई है और एकदम खस्ता है, और आप इसको 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। किसी एयर टाइट कंटेनर में रखिए और फ्रिज में आप इसको स्टोर करके रख दीजिए, और जब भी आपका मन हो तो निकालिए और चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप ऐसे चाट बनाकर भी खा सकते हैं, थोड़े से प्याज टमाटर धनिया की चटनी इमली की चटनी ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर आप चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आप भी बनाइए खाइए ऐसी कुरकुरी खस्ता एकदम गर्मा गर्म कचौरी, और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारी लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फैमिली में फ्रेंड में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस त्यौहार आप भी बनाइए कुछ मसालेदार कुछ चटपटा और अपने फैमिली के साथ इन त्यौहारों का मज़ा लीजिए। जो भी स्टेप मैंने यहाँ बताए हैं आप उसे फॉलो करके आप भी हलवाई स्टाइल खस्ता कुरकुरी मूंग दाल कचौरी बना सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।